वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री मदनलाल खुराना जी, आदरणीय श्री ओपी कोहली जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय मंत्री बहन आरती मेहरा जी वानी जी जो आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और प्रदेश कार्य समिति के कार्यकर्ता मित्रों, पिछले महीनों में जब से आपकी ये नई टीम गठित हुई है, साल हो गया, 10 महीने, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, एक दो महीने शायद कम है, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में ये सक्रियता का और कार्यक्रमों का वर्ष रहा है। पार्टी को कैसे सक्रिय रखा जा सकता है और पार्टी की संगठन की जो मशीनरी है उसको इतना तेज तरार रखो, जिसको कहते हैं लाइव वायर, कि कुछ घंटों के नोटिस पर इस प्रकार के छोटे बड़े कार्यक्रम हो जाना, विरोध के कार्यक्रम हो जाना, और ये दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो इस देश की अपेक्षा है और दिल्ली के नागरिकों की अपेक्षा है, उन विषयों को ऊपर उठाना, ये विषय उस प्रकार से एक संतुष्ट सेटिस्फैक्शन का विषय हम लोगों के लिए रहा है। इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, एक तो प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को जाता है और अध्यक्ष जी को जाता है, लेकिन एक दूसरा श्रेय इस देश की दोनों कांग्रेसी सरकारों को भी जाता है। दिल्ली की सरकार कांग्रेस की और केंद्र की सरकार, जिसने आप लोगों को सक्रिय रहने के इतने अवसर दिए, शायद वो इतने अवसर न देती तो जितना समर्थन आप लोगों को इन गतिविधियों में मिला है, इतना समर्थन भी ना मिलता। मुझे याद है कि माननीय खुराना जी बैठे हुए हैं, जब खुराना जी प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो इनके प्रति एक शिकायत होती थी कि सब लोगों को सुबह सुबह जगा देते थे। मेरे स्वयं घर में मजाक होता था कि सबसे पहला फोन खुराना जी का आता था, आज हम ये कर रहे हैं, इसके लिए ये ड्राफ्ट बनना है, जब मैं इनके साथ दिल्ली प्रदेश का कार्य करता था। यहां लोगों को लेकर पहुंचो, हर एक को सक्रिय रखना, ये एक जो परंपरा पैदा की है हम लोगों ने, इसके कई लाभ हैं। सक्रियता और एक्टिविटी जो होती है उससे एक आंदोलन का, एक मूवमेंट का माहौल बनता है, और जब लोग एक कॉज के साथ जुड़ जाते हैं तो जो छोटे मोटे मतभेद होते हैं संगठन में, कुछ तकलीफ लाने वाले विषय होते हैं, वो अपने आप पीछे चले जाते हैं, और जो आपसी प्रतिस्पर्धा भी होती है, आपसी कंपटीशन भी होता है, वो ये नहीं होता कि मैं एक दूसरे को कैसे छोटा करूं, फिर कंपटीशन ये होता है कि दूसरे की तुलना में मैं भी अपनी सक्रियता किस प्रकार से आगे लेकर आऊं। और दिल्ली में ऐसी सक्रियता रखना वो देश भर के हमारी पार्टी के यूनिट्स को भी एक संदेश देता है। नेशनल मीडिया दिल्ली में है तो स्वाभाविक है कि आप लोगों को उसकी कवरेज भी अच्छी मिलती है, और उसका जो पॉलिटिकल संदेश होता है तो देश भर में एक मैसेज जाता है, उससे हमारी जिला मंडल इकाइयां, प्रदेश इकाइयां पूरे देश भर की
एक उसकी तरफ देखती हैं, उससे संकेत लेती हैं और अपनी गतिविधि को उसी प्रकार से बनाती हैं। दिल्ली का एक और चरित्र भी है। अगर इस देश में परिवर्तन आया है तो दिल्ली के चरित्र में भी आया है। यहां देश भर से लोग आते हैं और दिल्ली एक ऐसा नगर है जो हाथ खोलकर दूसरे लोगों का स्वागत करता है। यहां की अर्थव्यवस्था में इतनी अपने बीच में समूह में सिमट लेती है और यह दुनिया का सिद्धांत तो है कि जहां पर आर्थिक गतिविधि होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जिन क्षेत्रों में साधन कम है, अवसर कम है, वहां से लोग उन दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे और इसलिए लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली का चरित्र बढ़ता जाएगा और दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत बन जाता है। और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में जो हमारा संगठन है उसको उस लघु भारत का वो चित्र रिफ्लेक्ट कर पाए। देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं यहां पर और दिल्ली वासी बन जाते हैं, उनको हम अपना मानते हैं और इसलिए हमारे संगठन की गतिविधि में भी जो हम लोगों ने गतिविधियां की हैं और मैंने ऐसे कुछ आपके प्रकोष्ठों की गतिविधियों में भाग भी लिया है, उसको भी हमने इस समूह में शामिल करने का एक प्रयास किया है। मुझे याद है कि पिछले वर्ष आपने जोली में जो एक अभ्यास वर्ग किया था दिल्ली प्रदेश का, तो उसके एक सत्र में मुझे बुलाया था और जब आप अपनी गतिविधियों की योजना बना रहे थे तो मैंने वहां एक टिप्पणी की थी कि कॉमनवेल्थ खेल आने वाले हैं, अगले एक वर्ष आपको ये आराम करने का अवसर नहीं देंगे, आपकी गतिविधि ये तय करेंगे। मेरी एक शायद आकलन में एक गलती थी, मुझे लगता था कि खेल समाप्त होने के बाद ये सब स्कैम्स हैं, भ्रष्टाचार के किस्से हैं, ये अपने आप उभर कर सामने आएंगे। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि किसी अलमारी का दरवाजा खोलो, व्हेन द कबर्ड ओपन स्केलेटन्स फॉल आउट टम्बल आउट। तो हमें लगता था कि खेल के बाद ये स्केलेटन बाहर निकलेंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ खेल के दौरान तो खेल के दौरान ही वो स्केलेटन्स बाहर निकलने शुरू हो गए। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि इस प्रकार के खेल हो रहे हो। बीजिंग में ओलंपिक खेल हुए, कभी नकारात्मक भावना उस खेलों के आसपास इकट्ठी हो जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। एक नेगेटिव फीलिंग पूरी खेल के आसपास थी, लोग खिलाड़ियों के साथ थे और खेल का आयोजन करने वालों से दुखी थे। हम में से जिन लोगों ने टेलीविजन में देखा हो या नेहरू स्टेडियम पे गए हो, तो जैसे ही कोई आयोजक सामने दिखता था या उसका नाम लिया जाता था तो जो खेल प्रेमी वहां मौजूद थे, जो खिलाड़ियों के लिए ताली बजाते थे, आयोजकों के प्रति उनकी नकारात्मक भावना उभर कर सामने आ जाती थी। इस माहौल में ये खेल किए और मैं आपको बतला दूं कि अभी तक आप इतने प्रदर्शन कर चुके हैं शुगलू कमेटीज की रिपोर्ट पे, अभी तक जो विषय उभर कर आए हैं ये छोटे ठेकों के विषय हैं, जो प्रमुख रूप से खर्चा हुआ खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसके संबंध में तो अभी तक उनकी टिप्पणी आई नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण पहले भी देता था, हमारे अध्यक्ष नितिन जी भी देते हैं उस उदाहरण को। आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, आप स्टेडियम्स देख रहे हो, वर्ल्ड क्वालिटी स्टेडियम है,
इनमें से कोई स्टेडियम ऐसा नहीं है जो 100 करोड़ से ज्यादा में बना हो। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी हिमाचल क्रिकेट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो इस देश का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है धर्मशाला में, जिसको दुनिया में से लोग देखने आते हैं कि पहाड़ के ऊपर ऐसा स्टेडियम बना है और वहां उसकी कीमत ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ तक पहुंचना कठिन है, 48 करोड़ में पूरा स्टेडियम बना लिया। और यहां एक एक स्टेडियम की रिपेयर करना 300 करोड़, 600 करोड़, 231 करोड़ केवल रिपेयर का खर्चा था। ये जो ध्यानचंद स्टेडियम है जिसको नेशनल स्टेडियम कहते हैं, जब पहली बार 1952 में एशियन खेल हुए थे तो तब ये एक स्टेडियम बना था। इसमें 14,000 लोगों के बैठने की जगह थी, उसको 17,000 कर दिया, इस बार 3,000 बढ़ा दिया। वो 3,000 सीट बढ़ाने का खर्चा कोई 350 करोड़ है। अभी तो इस पे कोई सुंगलू साहब ने रिपोर्ट नहीं दी है। नेहरू स्टेडियम 1982 के एशियन खेल में बना था, उसको रिपेयर करना और जो उसकी ऊपर से साइड से डेकोरेशन की है वो 961 करोड़ है मरम्मत का खर्चा। अभी तो इस पे रिपोर्ट आनी है। और ये बनाने के बाद जिसको लकवा मार गया हो, एक पैरालाइज्ड गवर्नमेंट हो, आज उनको ये कल्पना ही नहीं है कि इन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये 15-20 स्टेडियम जो बन गए, इसका करे क्या। सन 82 से लेकर आज 2011 तक कितना इस्तेमाल होता है नेहरू स्टेडियम का, कोई सोच नहीं है कि इसका कैसे करें। और अब कमेटी बना रहे हैं कि हमें सुझाव दो कि इन स्टेडियम्स का करें क्या, जो ऐसे बनाने के बाद एक खेल का माहौल पूरे देश में बनना चाहिए था वो नहीं बना। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के संबंध में दिल्ली सरकार आपकी प्राथमिकता रहती है, रहनी भी चाहिए, और इसलिए इन सब इश्यूज में उसको आप ठीक हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो भी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो अपने प्रदेश संगठनों के माध्यम से चलती है। और इसलिए जो आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कोई विषय आता है तो करते हैं, उसमें एक विशेषता है कि दिल्ली एक राजनीतिक कैपिटल ही नहीं है, राजधानी नहीं है, दिल्ली का हर व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है, उस पर सोचता है, और राजनीतिक दृष्टि से उसका मन सक्रिय रहता है। सुबह आप पार्क में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, किसी फर्म में चले जाएं, किसी कोई लोग अपने घर में बैठे हुए चर्चा करें, बाहर किसी कस्बे में बैठ के चर्चा करें, तो देश की राजनीतिक चर्चा दिल्ली में स्वाभाविक होती है। और इसलिए इन राष्ट्रीय मुद्दों को दिल्ली के मुद्दों के साथ साथ भी आप सीख मायने में उठाते रहे। एक बिखराव आ गया है एक प्रकार से राजनीति में, ड्रिफ्ट आ गया है सरकार के कार्यक्रमों में, और किस दिशा में जाना है और देश को किस दिशा में ले जाना है इसकी कोई कल्पना नहीं है। आपको लगता है कि किसी विषय को लेकर हम 2-4 दिन के लिए कुछ राजनीतिक गतिविधि कर लें, शायद उससे ही लंबा परिवर्तन सरकार की छवि पे आ जाएगा। अब आप भारत पाक संबंध का आज विषय प्रमुख है। अभी हमारे गृह सचिवों की बातचीत हुई, उसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने इकट्ठे बैठकर खेल देखा और शायद कुछ स्वाभाविक रूप से बातचीत हुई हो। सच में कल्पना करिए,
कि पिछले कुछ वर्षों का इसका इतिहास क्या है। इसमें जो मूल मुद्दा हम लोगों को समझ आने वाला है, वाजपेयी जी इसमें खूब पहल करते थे, अटल जी पहल करते थे, अटल जी वहां बस लेकर गए और मुशर्रफ साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, वो कारगिल में घुसपैठिए भेज रहे थे। वाजपेयी जी एक उद्देश्य को लेकर गए थे और पाकिस्तान का नेतृत्व दूसरे उद्देश्य को लेकर लगा हुआ था। आज तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान पर नियंत्रण और कंट्रोल किसका है। जो विशेषज्ञ है वो जानते हैं, उनकी सेना का है, आईएसआई का है। उसके बाद जनवरी 2004 में जब प्रधानमंत्री जी अटल जी की बातचीत हुई जनरल मुशर्रफ से, तो भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ और उस समझौते में लिखा कि ये जो कंपोजिट डायलॉग है, कंपोजिट डायलॉग जो है ये अन्य अन्य विषयों पे होता है, जितने हम लोगों के विवादित विषय हैं उसके वर्किंग ग्रुप से अलग बैठते हैं, बात करते हैं। कंपोजिट डायलॉग होगा इस आधार पर कि पाकिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ आतंक के लिए प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा, इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। यह जनवरी 2004 का दोनों देशों का अटल जी का द्वारा जारी किया गया, जनरल मुशर्रफ द्वारा जारी किया गया एक हमारा ज्वाइंट कम्युनिकेशन, और आज भी दोनों देश इससे पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अटल जी की स्पष्टता थी इस विषय में, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्पष्टता थी कि बातचीत को अपने आप जोड़िए तो पाकिस्तान की भूमि को हमारे खिलाफ आतंक के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके साथ जोड़िए। 3-4 साल पहले हमारी सरकार भाग ले रही थी, प्रधानमंत्री जी हवाना गए कॉमनवेल्थ मीट में, वहां से आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। शारमल शेख में जो हस्ताक्षर किए जिस बयान पर, उसने ये आतंक का और बातचीत का जो आपस में संबंध था उसको अलग कर दिया कि आतंक समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं या न उठाए जाएं, बातचीत चलती रहनी चाहिए। सो डायलॉग इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरर। जब देश में बहुत शोर मचा उसको लेकर, तो फिर कहने लगे कि मेरा अर्थ ये नहीं था। आज हम लोगों को इस बात में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो बातचीत का दौर हमने आरंभ किया है, कर रहे हैं और जिसकी दिशा में संकेत दे रहे हैं, क्या हम इस बात से संतुष्ट हो गए हैं, क्या भारत की सरकार उसका आकलन यह हो गया है कि पाकिस्तान की भूमि का प्रयोग नहीं होगा। आज के एक समाचार पत्र में बहुत ही प्रमुख खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में, जब ये गृह सचिव मिल रहे थे उससे 4-5 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस भारत को बतलाती है कि 3 दहशतगर्दी और एक ट्रक लोड एक्सप्लोजिव्स का हमारा जो दूतावास है काबुल में, उसके आक्रमण करने वाला है। वो पढ़ने लायक खबर है। मतलब आप गृह सचिवों की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्रियों की मीटिंग कर रहे हैं, उसी सप्ताह में पाकिस्तान की भूमि से ये हो रहा है। और समाचार में आगे लिखा है कि अपना फिर हम लोगों ने इतराज जताया और किस तरीके से उसको फिर रोका गया। पाकिस्तान के लिए ये कह देना कि ये जो होता है इसमें हमारी सरकार का हाथ नहीं है।
पाकिस्तान की सरकार के भी कई चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरा भी है, मिलिट्री चेहरा भी है, इंटेलिजेंस आईएसआई का चेहरा भी है। अब किसका इसमें हाथ था और किसका नहीं था, कारगिल के दौरान भी कह दिया कि आर्मी ने प्लान किया था, प्रधानमंत्री को पता नहीं था। हम जब इस भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो अपने देश का मूल उद्देश्य है देश हित में, कि यह आतंक समाप्त होना चाहिए, आप देश की बहुत बड़ी ऊर्जा, देश के बहुत बड़े साधन इसको संघर्ष करने में, इसके साथ लड़ने में लगते हैं, और इसलिए मैच देखना आपस में बहुत अच्छी चीज है, अंग्रेजी में एक फ्रेज है जो क्रिकेट शब्द है ना खेल का, उसके साथ एक खेल भावना जुड़ती है, और कोई भी खेल में गलत तरीके से खेलता है, बेईमानी करता है या खेल भावना को ऊपर नहीं रखता, तो अंग्रेजी में एक कहावत बन गई है, दिस इज नॉट क्रिकेट। तो उसी प्रकार से टेरर इज जस्ट नॉट क्रिकेट, वो अलग चीज है, और इसलिए जब तक ये आतंक से मुक्त संबंध नहीं बनेगा, तब तक कितना लाभ इस बातचीत का हो पाएगा, ये जो इस देश के नागरिकों की भावना है और देश हित की भावना है, अपनी सरकार को ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, इसलिए देश को बताना चाहिए कि हमारा आकलन क्या है, कि क्या पाकिस्तान की नीयत बदल गई है, कि उसकी अब भूमि का इस्तेमाल नहीं होता भारत के खिलाफ। पिछले एक दो डेढ़ वर्ष में अगर सबसे ज्यादा कोई एक विषय आया है जिसने सरकार की छवि को धूमिल किया है, और ये राज्य सरकार पे भी लागू होता है, केंद्र सरकार पे भी लागू होता है, वो भ्रष्टाचार का विषय है। मुझे याद आ रहा है किस्सा, जब 1980 के दशक में राजीव गांधी जी की तो 400 से ऊपर सीट आई थी, सन 1987 में बोफोर्स का मामला सामने आ गया, उसके बाद एक सबमरीन डील का सामने आ गया, तो कांग्रेस की सोच क्या बनी? कांग्रेस की सोच बनी कि इनको हटाने के लिए, इससे अपनी छवि दूर करने के लिए कोई फर्जी तरीके के काम करो। इन्होंने एक टोली भेजी जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शामिल था, जिसकी योजना में जहां वेस्ट इंडीज है, जो उसके अलग अलग टापू हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, तो वहां एक आइलैंड है सेंट किट्स का, क्योंकि श्री वीपी सिंह नेतृत्व कर रहे थे राजीव गांधी जी की सरकार के खिलाफ उस आंदोलन का, तो एक समाचार पत्र, उन दिनों एक शब्द यूज करते थे डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, बदमाशी करने वाला एक विभाग कांग्रेस में, एक टोली भेजी वहां पर, और वहां के एक बैंक में जाकर एक फर्जी कागज बनवा लिया कि वीपी सिंह जी के लड़के के वहां के बैंक में खाता है, और कई समाचार पत्र, यहां मित्र समाचार पत्र थे, वो मिल गए एक दो, उन्होंने अपने पत्रकारों को भेज दिया, फिर खबर छाप दी और कहा अब हमसे भ्रष्टाचार का दाग मिट गया क्योंकि हमने ये साबित कर दिया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुए तो पता चला अकाउंट भी फोर्ज था, सारे वाक्यात तथ्य उसमें गलत थे। तो ये सेंट किट्स जैसी हरकतें करना, ये कांग्रेस की ज़हनियत और सोच का एक हिस्सा बन चुका है। इसका लाभ नहीं होता, इसका नुकसान होता है। अगर आप इन दिनों जो बड़े विषय आए हैं, एक एक विषय देख लें, तो इनकी सोच क्या है? जब 2G पे कोई इश्यू नहीं, उत्तर नहीं दे पाते, तो किसी पत्र पत्रिका को कहेंगे एक आर्टिकल छाप दो कि एनडीए सरकार में भी ऐसा हुआ था,
अब उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। जब यह साबित हो गया कि आपने तो ये याद रखिए, कांग्रेस के दो पिछले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनसे पहले श्री पीवी नरसिम्हा राव। इस युग को इतिहासकार कैसे लिखेंगे आज से 50-100 साल बाद? दो लगातार प्रधानमंत्री ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने संसद में बहुमत जीता, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता, सांसद खरीद के। और किसी दल के किसी प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं आया। अटल जी तो एक वोट से हार गए। मुझे याद है कि जब मोरारजी भाई की सरकार गिर रही थी और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो कुछ सांसद एक आध महिला सांसद को लेकर गए कि आप इन महिलाओं को ये आश्वासन दे दीजिए, और वो जनता पार्टी को उस वक्त वोट देगी। तो मोरारजी भाई का बयान छपा था कि आई कैनॉट मेक द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अ बार्गेनिंग काउंटर, मैं प्रधानमंत्री के पद को सौदेबाजी का अड्डा नहीं बना सकता, इसलिए क्षमा कीजिए मैं इनसे ये बात नहीं करूंगा, जाती है सरकार जाए। हमारी तो एक वोट से चली गई, फिर भी आरोप नहीं लगा कि आपने किसी को खरीदने की कोशिश की। अब देखिए कि दो लगातार प्रधानमंत्री, एक जेएमएम कांड में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ और दूसरा न्यूक्लियर डील पे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया, तो आप पे आरोप ही नहीं लगा, लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं और आपकी वो सेंट किट्स की प्रवृत्ति, नहीं नहीं ये कुछ नहीं था, ये तो बीजेपी करवा रही थी, अडवाणी जी करवा रहे थे, उनके साथी अरुण और सब लोग करवा रहे थे। बस सिर्फ इतना आरोप नहीं लगाया कि मनमोहन सिंह जी नहीं लाए थे, सुषमा जी लेकर आई थी पीछे वो थॉमस का नाम, अब वो तो मनमोहन सिंह जी लाए नाम उसका। जो तीन चार बड़े विषय आए हैं, केवल इतना नहीं कहा कि हम नहीं लाए थे, आप लाई थी, लेकिन इस सरकार की जो सोच और प्रवृत्ति है, ये इस सीमा तक भी जा सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जब इस सरकार के साथ एक चरित्र बन गया है कि जब हर स्थिति में गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से होगी, व्हेन थिंग्स कैन गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट, और अब इसका इसको सुधारने की प्रवृत्ति नहीं रही, क्योंकि सुधारने के लिए आवश्यक है कि यह कल्पना होनी चाहिए कि हमसे यह भूल हुई है। जब तक मरीज को पता ही नहीं चलेगा कि मैं बीमार हूं और वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, तो कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। तो हम भ्रष्ट हो गए हैं और यह हमारे उस तंत्र का एक हिस्सा बन गया है। इसकी कल्पना अब इनको नहीं रही। कीमतें, उसको नियंत्रित करने का आपके पास कोई तरीका नहीं रहा। और आप एडहॉक सॉल्यूशंस, एडहॉक समाधान ढूंढने की कोशिश करते हो। आप जिस विषय को लेकर अपनी विचारधारा के एक मूल विषय के साथ जुड़े रहते हो, जम्मू कश्मीर के, जब ये सरकार उस पर कदम आगे बढ़ाने लगेगी, तो आप कल्पना देखना कि जो देश हित में हो सकता है ठीक उसके विपरीत करना, घड़ी की सुई को मोड़कर वापस ले जाना, टर्न द क्लॉक बैक। जब मैंने आपके दिल्ली प्रदेश के कश्मीर के कार्यक्रम में संकेत किया था, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी ऐसी कल्पना नहीं है, लेकिन अब तो समाचार आ रहे हैं कि ठीक वही कल्पना है जिसका हमें भय था। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी दल होने के नाते इन सब विषयों पे आज हमारी छवि बनी है कि माओवाद के विषय पर हम कड़ा रुख रखते हैं, हमारी सरकारें कड़ा रुख रखते हैं, इन लोगों को कल्पना नहीं है कि इसको कैसे निपटना है। कश्मीर इस देश का अटूट हिस्सा है, हमें खड़ा रुख। मेरा इन दिनों असम जाना हो रहा है, अभी मैं होकर आया हूं, दोबारा जा रहा हूं, हमारे सारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगा हुआ है उसमें,
जैसे जम्मू कश्मीर को हमने अपने केंद्र मुद्दों में से एक रखा। मैं मानता हूं कि पूर्व उत्तर को भी रखना चाहिए। अब कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति ने देश को कितना खर्चा नुकसान पहुंचाया इसकी कल्पना करिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, पिछली बार कोलकाता में 22 सीट थी, इस बार 13 रह गई। अब बड़े शहरों में तो जनसंख्या बढ़ती है, इसलिए सीट बढ़नी चाहिए थी, कोलकाता की कम कैसे हो गई। पिछले असेंबली चुनाव की तुलना में कोलकाता वहां सीटें कम हो गई। कम इसलिए हुई कि बंगाल के बीच में से अगर एक लाइन खींच दो तो आधा बंगाल वो है जो कि इस तरफ बिहार के साथ जुड़ता है, झारखंड के साथ जुड़ता है, थोड़ा उड़ीसा के साथ जुड़ता है, और बाकी ये वाला हिस्सा जो है एक तरफ वाला वो बांग्लादेश के साथ जुड़ता है। बांग्लादेश के साथ जो हिस्सा जुड़ता है वहां पर सीटें बढ़ गई और जो बाकी पश्चिम बंगाल है उसमें सीटें घट गई। अब कोई बहुत विशेषज्ञ या स्कॉलरशिपली होने की आवश्यकता नहीं है, इसका मूल कारण यह है कि वहां से एक पॉपुलेशन का इन्वेजन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, जिसकी वजह से ये चरित्र बदल गया। और आईएसआई ने तो हुज्जी को अपना बांग्लादेश में से ही बेस बनाकर गतिविधियां इस देश में करवाई। असम में जिन क्षेत्रों में हम जाते हैं वहां देखने के डर लगता है कि कई क्षेत्रों में एक प्रकार से जो मूल असमी लोग थे वो अल्पमत में हो गए और उन लोगों की शिकायत है यहाँ विकास नहीं है, यहाँ सड़कें नहीं हैं। हम लोग दिल्ली में थोड़ा पंजाब के ज़्यादा नज़दीक है तो हमें लगता है कि इस हिस्से पर पार्टीशन का बंटवारे का बहुत असर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जान को माल को पॉपुलेशन रेफ्यूजी आए, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हुआ। लेकिन कभी हमने कल्पना की है कि नॉर्थ ईस्ट पे क्या असर पड़ा? ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस की दृष्टि से 1200 किलोमीटर और दूर हो गया। वहां जाने के लिए ऊपर वो चिकन नेक से अब जाना पड़ता है। वहां जो सामान पहुंचता है वो महंगा होता है क्योंकि उसको 1200 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। वहां कोई उद्योग नहीं लगाता क्योंकि वहां उद्योग मुनाफा नहीं देगा, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस इतना ज्यादा है। वहां तेल भी है, गैस भी है, कोयला भी है, पानी भी है, लेकिन जो सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, जो रेलवे नेटवर्क, आज भी बंगाल में आपकी समस्या ये है कि फ्लाईओवर यहां बने कि यहां बने, उनकी समस्या ये है कि अभी वो कह रहे हैं कि मीटर गेज को तो कम से कम ब्रॉडगेज कर दीजिए। वो अभी उस स्थिति में है, 15-15, 20-20 साल ब्रह्मपुत्र के ऊपर से पुल बन जाए उनको संघर्ष करना पड़ता है। असम के दो शहर बड़े, गुवाहाटी से अगर आपको डिब्रूगढ़ जाना है या सिलचर जाना है, वहां के डिस्टेंसेस, वहां की सड़कों की परिस्थिति। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज नॉर्थ ईस्ट को भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा पे उसी प्रकार से लाना चाहिए जैसा भारतीय जनसंघ के जमाने से हमने जम्मू कश्मीर को रखा। और ये जो अपने देश के वनवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के संबंध में प्रधानमंत्री जी तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे जब उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया, हम देश हित की राजनीति करें कि देश के साधनों का पहला हिस्सा या हम ट्राइबल क्षेत्रों में दे या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में दे, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जिनको हमें आज तक वंचित किया है। और उनके जो इस प्रकार के वक्तव्य होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति होता है, हम लोग देश हित में ये बात कहें। मित्रों, आज बहुत विचित्र परिस्थिति पे देश खड़ा है और ये विचित्र परिस्थिति ये है कि सरकार की राजनीति की विश्वसनीयता, शासन की विश्वसनीयता एकदम घटती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों को लेकर, जैसे भ्रष्टाचार के विषय को लेकर हम देश भर में सक्रिय रहे हैं,
हमें अच्छे प्रकार के मापदंड अपने संगठन की दृष्टि से भी बनाकर उसी दिशा में काम करना होगा। कांग्रेस को और अन्य राजनीतिक दलों को लगता है कि हम लोग केवल परिवारवाद की राजनीति चला लें, उसी से काम चल जाएगा। मैं मानता हूं कि ये जो विभिन्न राजनीतिक दलों में ये परंपरा बड़ी है, ये देश की राजनीति को नुकसान देती है। देश का भविष्य उस आधार पर तय होता है, और इसलिए जो लोग उसमें आए उनका अपना स्तर इतना ऊंचा हो कि इस जिम्मेवारी के वो काबिल हो। और कई बार ये मान ले जो परिवारवाद की राजनीति होती है उसका और मेरिट की राजनीति का आपस में तालमेल नहीं होता। और दिल्ली जैसे नगर में जहां आपको पूरे देश से आए हुए लोग आज मिलते हैं, यहां इतने विश्वविद्यालय हैं, इस प्रकार के लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर, मैं तो ये मानूंगा कि हम अपने संगठन के काम में चुनावी राजनीति की दृष्टि से जिनको हम जनप्रतिनिधि बनाते हैं उस दृष्टि से यहां बहुत मेरिट और टैलेंट हम लोगों के पास है, और उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। कोई किसी परिवार में से भी टैलेंटेड व्यक्ति निकलता है तो वो भी स्वागत है, लेकिन ये अन्य दलों की जो नीति है उससे थोड़ा अपने आप को अलग लगकर हम उसकी छानबीन करें। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इस देश की राजनीति में एक बहुत अच्छा मोड़ लाएंगे। हमें ये कल्पना नहीं थी कि सरकार अपने दूसरे वर्ष में ही UPA 2 अपनी लोकप्रियता खो बैठेगी। जितने ये स्कैम हुए, जो सरकार के ऊपर प्रहार हुए, जो संसद के भीतर संसद के बाहर सड़कों पर आप लोगों ने किए, उससे सरकार के समर्थन की एक एक ईंट हटती गई है। वी हैव बीन एबल टू चिप इन देयर सपोर्ट बेस ब्रिक बाय ब्रिक, उनकी विश्वसनीयता घटी है। अब जो कांग्रेस शासित राज्य थे या उनके गठजोड़ के राज्य थे, मैं उसी शब्दावली का प्रयोग करता हूं, ब्रिक बाय ब्रिक एक एक करके उनको अब छीनना चाहिए और चुनाव की राजनीति के माध्यम से छीनना चाहिए। मैं मानता हूं कि बोथ कांग्रेस एंड लेफ्ट शुड बी रेडी फॉर अ सरप्राइज। कांग्रेस के हारने से जो सरकार की और कांग्रेस की घटती हुई साख है उसके ऊपर असर पड़ता है, और वामपंथी अपने दोनों राज्यों में हारते हैं तो देश की राजनीति में उसका भी एक प्रभाव है। जो कांग्रेस विरोधी स्थान है इस देश में, द नॉन कांग्रेस स्पेस, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की है, NDA की है, होता है कि तीसरा मोर्चा बना लिया जाए या दाएं से या बाएं से किसी से समर्थन ले लिया जाए, लेकिन मोर्चा बनाने वाले की अपना ही समर्थन समाप्त हो गया, उसकी अपनी सरकारें चली गई, तो इसलिए जिन लोगों में कई बार ये स्वभाव बनता है, सोच बनती है कि हमें भी तीसरे मोर्चे में जाना चाहिए, उनको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के विरोध में केवल एक मोर्चा है और वो है भारतीय जनता पार्टी और NDA। कांग्रेस को भी सेटबैक लगेगा, करना है अपनी गतिविधियां एक्सपेंड करनी है, जो मैंने कहा मेरिट के आधार पर, टैलेंट के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में लाना है, उनको पार्टी का चेहरा बनाना है, उनको जनप्रतिनिधि
और संगठन के कार्यकर्ता बनाना है, और दूसरा नॉन कांग्रेस स्पेस सिर्फ बीजेपी और एनडीए की है। जो रास्ता है संसद के भीतर का, एक रास्ता है मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने का, और सबसे प्रभावी रास्ता है आंदोलन की राजनीति का, जिससे संगठन और कार्यकर्ताओं में सक्रियता रहे। ये रास्ता हमारी प्रदेश इकाइयों ने अपनाया है, जिसमें दिल्ली प्रदेश की प्रमुख भूमिका है। मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम चले हैं उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। एक बार फिर आपने